स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेज शिक्षा वाली। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस का पार्ट 4। इसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगी। फ्रैक्शंस की पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप मेरी सीरीज वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए शुरू करते हैं फ्रैक्शंस का पार्ट 4। Today's topic is fractions part 4. In this part, I'll be telling you about the simplification of fractions and word problem. Now, we'll start with the first topic. Simplification. Simplification matlab simplify karna, matlab aasan karna, matlab saral karna. Kisko? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, कठिन सा एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई कर करके हमें आसान बनाना है, उसको इजी सिंप्लीफाई, सिंपल, बहुत सरल, ठीक है। नाउ सिंप्लीफिकेशन का एक रूल होता है जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी बताया, वही रूल यहाँ सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में भी लगेगा। क्या है वो रूल? रूल है, आप सब मेरे साथ साथ बताइए जरा मुझे, बॉड मास। आप सबको पता होगा ये रूल बॉड मास का कि ये एप्लीकेबल होता है सिंप्लीफिकेशन में, और मैंने नंबर सिस्टम में बताया है। जल्दी बताइए जरा मेरे साथ साथ बताइए, यहाँ पर बी किसके लिए स्टैंड करता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट की भी एक प्रायोरिटी होती है, मैंने नंबर सिस्टम में बताई थी। पहले आप ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर एक्सप्रेशन में, कठिन एक्सप्रेशन में ये है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। आई होप this priority of brackets is clear. Now this O stands for off. Off means multiply. Off जहाँ हो वहाँ पर second step में आप multiply लगा देंगे। फिर D stands for division. M stands for multiplication. A stands for addition and S stands for subtraction. I hope कि बॉड मास रूल आपको क्लियर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था and today I have told once again. Now अब हम एक example के थ्रू इसको और क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 2/17 ऑफ 1/6 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5। अब देखो ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा है ना, इसको इजी करके सिंपल एक फ्रैक्शन में आंसर लाना है, ठीक है। कैसे? यहाँ बॉड मास रूल लगाओ। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? ये ब्रैकेट दिख रहा है। सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट को सॉल्व करो, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखो, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम लोगे, 6 और 5 का एलसीएम लो, 2 से जाएगा पहले, 2 3 5 3 1 5 5 1 1 2 into 3 into 5, 3 2 6 6 5 30 हमारा एलसीएम आ गया। लिखो यहाँ पर 30, फिर 5 + 6 = 12, ये आया हमारा इस ब्रैकेट में। फर्दर अभी ब्रैकेट और सॉल्व होगा, 2/17 ऑफ 17/30, ब्रैकेट देखिए सॉल्व हो गया है। अब ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ओ, ऑफ। देखो ऑफ है, हाँ है, ऑफ सॉल्व करो, 2/17 × 17/30 डिवाइडेड बाय 3/5। पहले इस ऑफ को सॉल्व करेंगे, 17 कैंसिल, 2 1s 1s 15 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा अब हमारे पास? देखो मैं ये रब कर दूं,
क्या बचा हमारे पास, 1/15 डिवाइडेड बाय 3/5। कल मैंने आपको ऑपरेशंस बताए थे, ऑपरेशंस में मैंने क्या बताया था कि जब डिवाइड होता है तो हम रिवर्स रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, 1/15 × 5/3। इसको कट करो, 5 × 3 = 3, क्या बचा 1/3 मल्टीप्लाई। लास्ट पार्ट 3 में मैंने बताया मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, 1 × 1 = 1, 3 × 3 = 9। ये हमारा देखो सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ गया 1/9। और हमें दिया कैसा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया था। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एक मैं और एग्जाम्पल लूंगी, थोड़ा और टफ सा, उससे और क्लियर होगा। ये देखिए कितना कठिन है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई सरल बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, बॉडमास रूल से सॉल्व करते जाइए। लेकिन पहले आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिख रहे हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद बॉडमास लगाते जाइएगा। 6 × 4 = 5 = 29/6 + 2/3, ऐसे ही सेम लिखते जाइएगा, कभी गलती नहीं होगी। 4 × 2 = 8 + 3 = 9 = 10 = 11/4, 9 × 3 = 27 + 7 = 34/9, of 17 × 4 + 5 = 73/17 - 3 = 6 = 7/2। आई होप इतना सबको समझ में आ गया कि मैम ने सिर्फ यहाँ तक क्या किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया है। नाउ सबसे पहले क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं बॉडमास रूल में ब्रैकेट। ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करने लगे, बाकी के स्टेप साथ में लिखेंगे पूरा पूरा। अगर इतना ही करेंगे तो फिर इतने का ही बचेगा ना आंसर आ जाएगा, पूरा लिखेंगे। ये देखिए पूरा मैंने एज इट इज लिख दिया। अब और ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे 17 और 2 का 34 आएगा। देन आप इसको करेंगे फर्दर तो आएगा 17 17, ये आ जाएगा आपका 73 × 2 7 × 17, ठीक है। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ऑफ 34/27/34, ये आपका हो गया ब्रैकेट सिंप्लीफाई। आई होप इतना क्लियर है। ब्रैकेट के बाद हम क्या करते हैं, ऑफ, जहां जहां ऑफ लगा है वहां मल्टीप्लाई लगा के सॉल्व कर लो। 29/6 + 2/3 / 3/4, ये ऑफ है, देखो इसको मल्टीप्लाई किया, −1/2 = 11/4 = 3/4 × 27/34। अब आप कहोगे मैम ये भी मल्टीप्लाई लगा है, ये भी सॉल्व कर ले। नहीं, पहले सिर्फ ऑफ का जो मल्टीप्लाई, ऑफ को हटा के जो मल्टीप्लाई लगाते हैं वही सॉल्व करेंगे। ये वाला हम बाद में जब मल्टीप्लिकेशन का चांस आएगा डिवीजन के बाद तब करेंगे। ये देखो 2 × 1 = 2 × 3 × 1 = 3, ठीक है। नाउ 34 34 कैंसिल, 9 × 1 = 3, क्या आया हमारे पास 29/6 + 2/3 / 1/6 - 1/2 × 11/4 / 3। देखो कितना इजीली हमारे पास एक्सपैंड होके सब आ गया है। अब मैं फर्दर इसको रब कर देती हूँ ऊपर, क्वेश्चन रब कर दूं, हमारे पास तो ये है, इसको हमें सॉल्व करना है।
मैंने यहाँ तक रब कर दिया, ठीक है, एनएफ स्पेस है, सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं एक बार ऊपर लिख लेती हूँ, 29/6 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/6 माइनस 1/2 इंटू 11/4। देख लो कुछ मैम ने छोड़ तो नहीं दिया, अगर छोड़ दिया हो तो बता देना, ठीक है। नाउ ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, अब क्या आता है, डी डिवाइड। डिवाइड देखो कहाँ कहाँ है, डिवाइड को सॉल्व करो। डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ डिवाइड का साइन हो मल्टीप्लाई करो और जो उसके साथ फ्रैक्शन लगाओ उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। नाउ 29/6 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई, ये 1/6 है, इसको रिवर्स करेंगे 6/1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3/1 है, इसको रिवर्स करेंगे जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। 3 1 2 फिर 29/6 प्लस 4 माइनस 1/2, ये इसमें कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 11/4 3 12। देखिए इतना आ गया है सॉल्व होके। अब इसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको। देखिए डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का है ये, इसको सॉल्व करो, माइनस 11/12 24। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। नाउ अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा मल्टीप्लाई के बाद, एडिशन। एडिशन ये है, इसको एडिशन करेंगे कैसे, ये अनलाइक है दोनों, यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, आप क्या करेंगे दोनों को लाइक बनाएंगे एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आएगा इसका, 6 ही आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी 6 है, यहाँ पर 6 बनाएंगे कैसे, 29/6 प्लस 24/6 माइनस 11/24। देखो इसका एलसीएम लिया 6, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा, ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। 6 एलसीएम 29 प्लस 24 माइनस 11/24, देखो 53 माइनस 11/24। अब हमें बस यही सॉल्व करना है, 53 माइनस 11/24, इसको आप सॉल्व कीजिए, जरा एलसीएम लीजिए, ये मैं पूरा रख कर देती हूँ। 6 और 24 का एलसीएम लो, 3 2 8 2 1 4 2 1 2 2 3 into 2 into 2 into 2 3 2 6 12 2 24 LCM आ गया 53 into 4 minus 11, आपका ये आ जाएगा 201/24। इसको देखिए फर्दर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 3 6 18 3 7 21 67/8। लेकिन मैंने आपको बताया था जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब हम आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देते हैं, 8 8 64 + 3 67/3। देखिए कितना कठिन सा क्वेश्चन था, उसका कितना सरल सा आंसर आ गया। आई होप सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस इज क्लियर बाय बॉडमास रूल। Now, I'll be telling you the word problem. Next is word problem. Word मतलब statement दिया होगा, उसमें एक problem होगी, उसको आपको पढ़ के analyze करना है, क्या operation हो रहा है वो operation करना है, then you have to find the final answer. एक example बताती हूँ, उससे और clear होगा कैसे fractions की word problem solve करेंगे। See. ये एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ भानु हैड 240 फ्रूट्स, समबडी नेम्ड भानु इज हैविंग 240 फ्रूट्स। फ्रूट्स की क्वांटिटी बता दी, ये नहीं पता कौन से फ्रूट्स हैं, आपको उससे मतलब भी नहीं है, 240 फ्रूट्स हैं उसके पास। ही सोल्ड 1/2 ऑफ देम टू राखी, उसमें से उसने 1/2 फ्रैक्शन ऑफ फ्रूट्स राखी को बेच दिए। फिर 1/3 फ्रैक्शन ऑफ फ्रूट्स नताशा को बेच दिए।
हाउ मेनी फ्रूट्स डिड भानु सेल इन ऑल? अभी तक भानु ने 240 में से कितने फ्रूट्स बेचे हैं? ये निकालना है आपको। फिर सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, हाउ मेनी फ्रूट्स वॉज ही लेफ्ट विद, उसके पास कितने फ्रूट्स बचते हैं एंड में। एक तो ये निकालना है कितने बेचे, जब कितने बेचे पता चल जाएगा, कितने बचे आपको ऑब्वियसली पता ही चल जाएगा। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। नाउ उसने कितने फ्रैक्शन बेचा राखी को, 1/2। नताशा को कितने बेचे, 1/3। फ्रूट सोल्ड टू राखी, स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन हो स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। फ्रूट सोल्ड टू राखी 1/2, फ्रूट सोल्ड टू नताशा 1/3, फ्रूट सोल्ड, कितने फ्रूट सोल्ड किए, 1/2 प्लस 1/3। अब मैंने आपको फ्रैक्शंस का एडिशन बताया है। अगर हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं तो सिंपली ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर एलसीएम हो जाता है। ये अनलाइक हैं तो इनको कैसे करेंगे, मैं ये रब कर रही हूँ, आपको पता ही है 240 फ्रूट्स हैं और फ्रैक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी हम ए पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे उसने कितने फ्रूट्स बेचे। पहले इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 प्लस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम, 2 1s are 3s are, 3 1s are 1s are, 2 into 3 क्या आ गया, 6, यहाँ पर 6 बनाना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 बन जाएगा, यहाँ पर 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा, क्या आ गया आपका 5/6 फ्रैक्शन ऑफ फ्रूट्स सेल हो गए, फ्रूट सोल्ड 5/6, टोटल फ्रूट्स कितने थे 240, फ्रूट सोल्ड बाय भानु फ्रॉम 240, 5/6 ऑफ 240 का 5/6 कर देंगे तो हमें 240 में से 5/6 फ्रैक्शन 240 का ही तो उसने बेचा, तो 5/6 कर देंगे हमें 240 का फ्रैक्शन मिल जाएगा। 5/6 और मतलब मल्टीप्लाई 240, 6 1s are 4s are 0, 40 इंटू 5 आएगा 200, मतलब उसने 200 फ्रूट्स बेच दिए राखी और दूसरी वाली जो गर्ल थी उसको 200 फ्रूट्स उसने बेच दिए। अब ये तो हमारा ए पार्ट हो गया कैलकुलेट कि 200 फ्रूट सेल हो गए। अब हमें क्या निकालना था बी पार्ट में कि कितने फ्रूट्स रिमेनिंग हैं, रिमेनिंग फ्रूट्स देखिए बी रिमेनिंग, उसके पास थे कितने, कितने फ्रूट्स थे 240, 240 में से कितने बचे, ये तो आप बता ही देंगे, क्लास फोर से पढ़ रहे हैं ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स, रिमेनिंग डिफरेंस इस सब में क्या करते हैं माइनस, 240 टोटल थे माइनस 240 फ्रूट्स अभी भी बचे हैं, 40 फ्रूट्स। आई होप ये वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो गई। नाउ मैं एक और वर्ड प्रॉब्लम बताती हूँ, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाउ टू सॉल्व द फ्रैक्शंस वर्ड प्रॉब्लम। द सेकंड वर्ड प्रॉब्लम इज कंचन हैड रुपीज 480, कंचन है उसके पास 480 रुपीज है, शी यूज 1/3 ऑफ इट टू बाय अ बैग, उसने एक बैग खरीदा इस मनी के 1/3 पोर्शन से, Then she spent 1/4 of remaining money on a bracelet. अब जो 1/3 spend करने के बाद जो money बचा, उसमें से उसने 1/4 जो था वो bracelet खरीद लिया। How much money was left with? अब bag और bracelet खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसे बचे? So, कंचन
कंचन यूज्ड 1/3 ऑफ इट, 1/3 ऑफ 480 टू बाय अ बैग. कंचन यूज्ड मनी टू बाय बैग कितना, 1/3 ऑफ 480 का 1/3 क्या आएगा, 160 रुपीज उसने बैग पे खर्च कर दिए. अब आगे क्या लिखा है, देन शी स्पेंट 1/4 ऑफ द रिमेनिंग. जहां हो वहां दिमाग दौड़ाना, रिमेनिंग डिफरेंस लेफ्ट मतलब माइनस. तो माइनस क्या, अब उसके पास जो बचा कितना बचेगा, पहले तो ये निकाल लो कितना बचेगा, रिमेनिंग मनी आफ्टर बाइंग बैग. बैग खरीदने के बाद कितना बचा, 480 माइनस 160 कितना बचा, 320 रुपीज बचे. अब क्या होगा, उसने 1/4 ऑफ रिमेनिंग मनी जो बचा उसका 1/4 का ब्रेसलेट ले लिया. चलो अब मैं रब कर देती हूँ, मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बता दिया है. ठीक है, अब ब्रेसलेट निकालिए रिमेनिंग मनी में से उसने लिया. कंचन यूज्ड रिमेनिंग मनी टू बाय ब्रेसलेट कितना हुआ, 1/4 ऑफ 320. 1/4 इंटू 320 कितना आया, 80 रुपीज का उसने ब्रेसलेट ले लिया. अभी उस पे 480 थे, उसमें से उसने 160 खर्च किए तो 320 बचे. 320 में से उसने 80 और खर्च कर दिए. अब आपसे क्या पूछा गया कि उसके पास कितने पैसे बचे, तो मनी लेफ्ट विद कंचन, मनी लेफ्ट विद कंचन कितने थे उसके पास अभी बैग खरीदने के बाद, 320 थे, उसमें से उसने 80 और खर्च कर दिए, कितने बचेंगे टोटल, 240 रुपए बचेंगे. देखिए 480 में से उसने 320 का बैग खरीदा, 80 का ब्रेसलेट खरीदा, तो उस पे 240 रुपए बचे. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. इन दिस पार्ट आई हैव टोल्ड यू सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस यूजिंग वर्ड मास रूल एंड द वर्ड प्रॉब्लम्स. अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए. थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.